गाइस वेलकम टू मोटर रॉक 10। कैसे आप लोग सब आज दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राजेश थेरानी है और आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसे टेस्ट लेके आ रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि स्कॉर्पियो वैन इज दैट मेड फॉर यू और नो। सो जिनको आइडिया नहीं है उनको मैं इन शॉर्ट बता दूँ, हम करते हैं असली टेस्ट ऑलमोस्ट हर गाड़ी का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए आप रिव्यू देखते हो उसमें स्पेस फीचर्स सारी चीज़ें बता देते हैं, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे आपको टेस्ट करने रहते हैं जिसका आपको जवाब नहीं मिलता है। आप डीलरशिप पे चले जाइए, खुद ही गाड़ी चले, क्या आप तीन लोगों को सेकंड रो में बिठा सकते हैं, थर्ड रो में कितने लोग बैठ सकते हैं, डिक्की में कितनी जगह है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी कैसी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आपके लिए टेस्ट करते हैं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि भैया ये गाड़ी मेरे लिए बनी है या नहीं। तो हमने ऑलरेडी स्कॉर्पियो एन का रिव्यू लाए हैं आपके लिए, आज बारी है उसके असली टेस्ट की, साथ में हमारी भी असली टेस्ट हो रहा है। बारिश हो रही है फिर भी हम आपके लिए शूट कर रहे हैं लगातार नॉनस्टॉप। अब देखिए बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। असली टेस्ट में हम ये फैक्ट्स नहीं कवर करने वाले आपके लिए कि ओके ये ग्रिल ऐसा है, ये ऐसा है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यहाँ पर हम आप तक सिर्फ फैक्ट्स पहुँचाते हैं। तो इसकी जो हेडलैम्प्स है LEDs है, थ्रो बहुत अच्छा है, लो बीम हाई बीम, तो थ्रो एंड स्प्रेड जो है लाइट का उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ओवरऑल आपको ये अच्छा कॉन्फिडेंस देगा जब आप इसे रात को चलाओगे। इसकी अगर पेंट क्वालिटी अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त पेंट क्वालिटी दी हुई है, काफ़ी प्रीमियम है ये एंड बहुत प्रीमियम एंड अपमार्केट फील होता है। लाइक स्पेसिफिकली अगर आप ये रेड कलर देख लो, इट लुक्स सो नाइस एंड कैची। ओवरऑल आपको ऐसे लगेगा कि यार कोई बाहर की इम्पोर्टेड गाड़ी है जो जा रही है। प्लस इसके जो वाइपर्स आते हैं उसमें आपको एरो ट्विन वाइपर्स दिए हुए हैं, विच आर द मोर एक्सपेंसिव वाइपर्स मार्केट में। काफ़ी गाड़ियों में कॉस्ट कट करने के लिए आपको सस्ते वाले वाइपर्स दिए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको एरो ट्विन जो वाइपर्स आते हैं वो इस्तेमाल किए गए यहाँ पे। अब इसमें आपको 18 इंच व्हील्स आते हैं। अब 18 पे भी डोंट स्टॉप देयर, क्योंकि 18 इंच व्हील्स जो इसके दिए हुए हैं काफ़ी वाइड है, जिस वजह से ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों केसेस में आपको अच्छी ग्रिप मिल जानी चाहिए। प्लस ऑफ रोड मैं बोल रहा हूँ तो आपको जाके मेरा वीडियो देखना चाहिए, हमने रिव्यू किया है इस गाड़ी का डिटेल में, एकदम रिव्यू चलाया हमने, ऑफ रोड ले गए, पूरा आर्टिकुलेशन है, एक पहिया हवा में है, एक आगे का पहिया फिर बाद में हवा में, हमने काफ़ी सारे ऑफ रोड टेस्ट किए वहाँ पे, वो जाके देख लो। तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि गाड़ी की कैपेबिलिटी कैसी है टू ऑफ रोड, प्लस उसके ग्राउंड क्लियरेंस की भी आइडिया वहाँ पे आपको मिल जानी चाहिए। अगर मैं चाबी के बारे में बात करूँ इस गाड़ी के, तो आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है एंड कीज अ फ्लिप की। स्कॉर्पियो की अगर हम बूट स्पेस देखते हैं तो यहाँ पे जब तीनों रोज रेस्ड है तब एक मीडियम साइज का सूटकेस जस्ट बैठ जाता है। सो मीडियम साइज सूटकेस इज एक्चुअली बिग, मैं सोचा एक छोटा भी नहीं बैठेगा बट यहाँ मीडियम साइज बैठ गया है। वेरास जब हमने पूरा थर्ड रो फोल्ड किया है तब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली देखा जाए हाइट काफी है रखने को सामान। सो तीन फुल साइज सूटकेसेस आराम से बैठ जाएंगे विद सम मोर स्पेस लेफ्ट। यहाँ पे हमने तीन अलग अलग साइजेस के बैग रखे हैं बट इट्स वेरी इजी टू फिट देम। और एक ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे आप कुछ बैग ऐसे रख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे जगह ज्यादा बच जाती है। इनफैक्ट एक और एक स्मॉल साइज बैग आपका बैठ जाएगा अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेस। सो यू कैन कीप इट इन डिफरेंट वेज आपको कैसे रखना है। आप और एक फैक्ट नोटिस करोगे इस गाड़ी का, वो है कि इसका जो ग्लास एरिया है ना वो काफी बड़ा है, जिस वजह से अंदर काफ़ी एरीनेस फील होगा। एंड लुक एट द हाइट ऑफ द कार, गाड़ी काफ़ी लंबी है, विच इंडिकेट्स अगर आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आपको हेडरूम कितना मिलना चाहिए। इवन लाइक फ्रंट सेकंड थर्ड रो में भी देखिए आपको हाइट अच्छी खासी है, सो बिकॉज ऑफ विच आपको आइडियली हाइट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस गाड़ी के अंदर, वो तो हम पता करेंगे जैसे हम अंदर जाते हैं। सो चले तो गाइज अभी हम आगे स्कॉर्पियो एन के अंदर। पहली चीज़ आप नोटिस करते हो इज द ब्लैक एंड कॉफी कलर का इंटीरियर, विच लुक्स वेरी नाइस। जो प्रीमियमनेस ये दे रहा है एंड आई मीन द फील ऑफ इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई विश 7W में ये कलर कॉम्बिनेशन दिया गया था। लाइक लिटरली अगर आप सुन रहे हो महेंद्र, प्लीज लुक एट इट एंड ट्राई एंड सी इफ यू कैन गिव अ कॉफी कलर ऑन द 7W ऑल्सो। ओवरऑल जो इसका टच एंड फील ऑफ मटीरियल्स है बहुत अच्छा है, खास करके जब आप डैशबोर्ड पे टच करते हो तो आपको लेदरेट मिल जाता है एंड टॉप पार्ट जो है वो रेगुलर हार्ड प्लास्टिक दिया गया। भले ये हार्ड प्लास्टिक है बट इसका फील काफ़ी अच्छा है एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली टॉक अबाउट। जो मैं प्रीमियमनेस बोल रहा हूँ इज़ नॉट जस्ट द लेदरेट, बल्कि जो मटेरियल्स यहाँ यूज़ किए गए वो काफ़ी हाई क्वालिटी की है। ओके, सीट्स के बारे में बात करते हैं। सीट्स जो है इसकी, बिफोर आई टॉक अबाउट कम्फर्ट, आपको जो फर्स्ट चीज़ इसमें यू विल नोटिस इज दैट जो हाइट पे आप यहाँ बैठ रहे हो, जो कमांडिंग पोजिशन यहाँ मिल रही है, कैन बी इरिप्लेसेबल। कुछ भी नहीं है या मुश्किल से कुछ आपको मिलेगा एटलीस्ट इन दिस प्राइस पॉइंट, जो आप ये हाइट पे बैठ के इतना कमांडिंग व्यू मिल सकता है। आपका डैशबोर्ड छोटा है, बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आपको ये गाड़ी चलाने में बहुत मजा आने वाला है।
ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है इज द सीट विथ. तो सीट काफ़ी वाइड है, बैठने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप शॉर्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टॉल हो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, पतले हो वाइड हो यू कैन सिट हियर कंफर्टेबली, लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हो. एंड मोर ओवर क्या है, इसका सीटिंग पोस्चर इज मोर लाइक अ चेयर, तो आपको थाई सपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको लॉन्ग ट्रिप पे बैठ के जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. अब अगर मैं फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो पहले बात करते हैं सेफ्टी की. इसमें 6 एयरबैग, ABS प्लस CVT, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर की गई है. प्लस आपके पास 4x4 का भी ऑप्शन है एज अ वेरियंट. अब 4x4 में जनरली सबको लगता है बस जस्ट 4x4 इज गुड एनफ, बट इसमें आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं. सो सैंड, यू नो, मड एंड रट्स, यू गॉट डिफरेंट मोड्स यहाँ पे विच यू कैन एडजस्ट. प्लस एक चीज़ जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इन अ 4x4 इज द लो रेशो, और वो यहाँ पे आपको मिल जाता है. दैट कैन यू कैन डू इट वेरी क्विकली. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अगर आप ऑफ रोड जा रहे हो, आई विल रिकमेंड यू स्कॉर्पियो एन, लवली पैकेज. ओके, अदर फीचर्स की तरफ जाते हैं. इसका स्टीयरिंग व्हील जो है आप हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे. ड्राइवर सीट जो है आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो. प्लस आपको यहाँ पे 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड 12 स्पीकर्स. जी हाँ, सोनी के 12 स्पीकर्स आते हैं विच साउंड ब्रिलियंट. आई मीन, मैं सोनी के स्पीकर्स यूज कर रहा हूँ ऑन द 7W एंड आस्क मी हाउ द एक्सपीरियंस इज. एंड यू कैन लिसन टू ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियो यहाँ पे, इमर्सिव, 3D, रेगुलर. फिर वो रूम का साइज भी छोटा बड़ा करोगे, यू विल फाइंड द डिफरेंस. जो 3D का इसका क्वालिटी है इज जस्ट फैंटास्टिक. ओके, इसमें आपको 2 कैमराज आते हैं फ्रंट एंड बैक. इनकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, लैगी है थोड़े बहुत, बट ये चीज़ मैंने 7W में भी फेस की है. जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है, ये तो बीटा वर्जन पे चल रहा है फिलहाल फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, तो जब इसका मेन सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा तब आप नोटिस करोगे कि ये लैगी बिल्कुल नहीं है. दिन में या रात में भी देखोगे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देखेगी. सो क्लैरिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है विद इट एट ऑल. अब इससे पहले हम दूसरे फीचर्स की तरफ जाएं, लेट्स लिसन टू द ऑडियो. ऑलराइट, अब दूसरे फीचर्स की तरफ जाते हैं. इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे अलग, राइट साइड पे अलग टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो. सुनने में छोटा है बट काफ़ी यूजफुल फीचर है. आपके पास यहाँ सनरूफ मिल जाता है, प्लस आपके पास गाड़ी में स्टोरेज स्पेसेस भी काफ़ी है. सो ग्लव बॉक्स में 1-1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी, 2 बॉटलें. डोर पैड में 1-1 बॉटल आराम से बैठ जाती है. आर्मरेस्ट के नीचे आपके पास छोटी स्टोरेज दी गई है. आपके पास कप होल्डर की जगह यहाँ मिल जाती है. वायरलेस चार्जिंग पैड आगे मिल जाता है, प्लस मोबाइल के लिए आपके पास 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं. गेटिंग इन एंड आउट स्कॉर्पियो से काफी आसान है क्योंकि आपके पास स्टेप है, प्लस आपको यहाँ पॉइंट दिया गया पकड़ने को. सो ओवरऑल गाड़ी में चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इट्स अ गुड इजी वे टू गेट इन एंड आउट ऑफ दिस व्हीकल. प्लस सेकेंड रो पैसेंजर्स को भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी. इट इज क्वाइट ईजी टू स्टेप इन टू द कार. सो ओवरऑल इट्स क्वाइट ईजी टू गेट इन एंड आउट ऑफ द स्कॉर्पियो अनलेस आप काफी बुजुर्ग हो. अब जाते हैं ऑन द बैक सीट, देखते हैं क्या स्पेस दी गई है फॉर योर पैसेंजर्स. तो अब हम सेकेंड रो में आके बैठते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि ये डोर काफ़ी वाइड खुल जाता है. यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो. अब पहली चीज़ आपको यहाँ बता दूं विच इज़ वेरी रेलेवेंट यहाँ पे, इज़ दैट कि आप जहाँ बैठे हो वो आप एकदम स्ट्रेट बैठे हो. लाइक यू नो, आप ऐसा झुक के नहीं बैठे हो, आप आराम से इधर बैठे हो. तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है आपको कि आप जहाँ बैठे हो तो आपको वहाँ थाई सपोर्ट का इतना इशू नहीं होता है इन मोस्ट केसेस. अगर आपको चाहिए, आपको रिक्लाइन चाहिए, और सो यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि मैं थोड़ी सीट और रिक्लाइन करके बैठ जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट में ज़्यादा इशू नहीं आता है बिकॉज आपकी जो सीटिंग है वो काफ़ी हद तक अपराइट है. तो इस वजह से आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हो. नी रूम अच्छा खासा है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम.
हेडरूम की भी कमी नहीं है क्योंकि यहाँ जो है रूफ ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कॉर्पियो की आप नोटिस करोगे इसके रूफ हमेशा ऊपर जाता है। इस वजह से टॉल पैसेंजर्स में ही था, जैसे 6 फुट पैसेंजर्स बैठेंगे उनको हेडरूम की कमी नहीं होने वाली है। हम लोग 3 लोग यहाँ पीछे बैठे आराम से, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैं सेंटर में बैठ के देखा सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है नहीं। ये थोड़ा बाहर है बट इट्स एक्चुअली वेरी सॉफ्ट, तो इस वजह से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है यहाँ पे, सो ओवरऑल कम्फर्ट विथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पीछे जो पैसेंजर्स बैठते हैं उनके पास ऊपर लाइट मिल जाती है, उनके पास इधर ग्रैब रेल है, प्लस उनके लिए यहाँ पे हुक है कि अभी कोट या कुछ हैंग करना है तो वो हैंग कर सकते हैं। आपके पास रियर एसी वेंट्स है, रियर एसी वेंट्स के साथ आपके पास ब्लोअर भी है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो ब्लोअर की स्पीड है, पुट इट ऑन 1, आई एम नॉट सेइंग 2-3 पे डालो, 1 पे डालो, जो हवा ये फेंकता है, आई मीन इट्स रियली रियली कोल्ड। ऑफकोर्स सीजन वैसा है लेकिन जो उसका फ्लो का स्पीड है इज वेरी हाई, सो इस वजह से ये फटाफट पीछे ठंडा कर देता है। और पीछे आपके पास एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी है, एंड रियर पैसेंजर्स के पास पीछे 2 कप होल्डर्स है, प्लस 1-1 लीटर की बॉटल आर्मरेस्ट में आराम से बैठ जाएगी। आप ये भी नोटिस करोगे कि इसका ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से गाड़ी के अंदर काफ़ी विजिबिलिटी एनहेंस हो जाती है। अब थर्ड रो की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सीट 1 टच में पूरा टम्बल डाउन हो जाता है, यू कैन ईजिली गेट इन, ओके, और यहाँ बैठ गए। बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पास हेडरूम की एक्चुअली कमी नहीं है, आपके पास हेडरूम काफ़ी है, लाइक यू हैव सो मच हेडरूम लेफ्ट हियर। एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के पास बहुत अच्छी स्पेस है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप नीरूम देखते हैं एज पर द नंबर्स जो स्पेक्स है वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसका जो थर्ड रो की रूम है एक्चुअली इट इज़ मोर देन द फॉर्चुनर। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थर्ड रो में इसको जो नी रूम मिलता है इज एक्चुअली मोर देन द फॉर्चुनर। सो इस वजह से अगर आप थर्ड रो में बैठ रहे हैं तो आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। और आप नोटिस करोगे ये सीट थोड़ा ऊपर जा रही है, जिस वजह से आपके पास ज़्यादा बेटर सपोर्ट के चांसेस हैं। अब थर्ड रो जनरली जो यूज़ करते हैं इज़ नॉट ऑलवेज द मोस्ट कम्फर्टेबल इन एनी कार, अनलेस आप एक बहुत लंबी लिमोजिन टाइप MPV में जा रहे हो, देन यू विल गेट दैट सपोर्ट। वरना जनरली अगर आप SUVs में बैठ रहे हैं सो यू गेट गुड इनफ सपोर्ट के 2-4-5 घंटे एट द मोस्ट ट्रैवल कर सको, एंड यू हर द स्टोरी इज सेफ। सो आप पीछे बैठ के जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, हाउएवर इट्स कम्फर्टेबल फॉर फ्यू आवर्स। ओके, लेट मी ऐड 1 मोर पॉइंट आपके लिए, वो ये है कि पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास मोबाइल फ़ोन स्टोरेज है, उनके पास यहाँ पे म्यूज़िक भी है, आई मीन स्पीकर्स आर देयर राइट नेक्स्ट टू देम, एंड उनके पास पीछे एक लाइट भी दिया गया है, एंड एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ थर्ड रो पैसेंजर्स के पास अवेलेबल है, विच इज़ हियर राइट बिहाइंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू एक्सेस। ऑलराइट गाइस, अब चालू करते हैं गाड़ी को, डाल दिया इसको मैंने ड्राइव मोड में, एंड ऑल वी हैव टू डू इज गो। सो हमने लास्ट टाइम आपको स्कॉर्पियो चला के दिखाई थी, हाईवे पे मेजरली दिखाई, हाई स्पीड ये सब दिखाया हमने आपको, लेकिन एक एरिया जहाँ बहुत लोगों का सवाल है इज द फैक्ट कि यार ये सिटी में कैसे चलती है, ट्रैफिक व्रैफिक में चलाएंगे तो कैसे चलती है। तो फॉर दैट रीज़न हम इसे पहले बार असली टेस्ट में एक नया एस्पेक्ट डाल रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आ जाएगी कि गाड़ी शहर में कैसे चलती है। स्कॉर्पियो एन इज़ अ बिग का, सो इन दैट केस ये कैसी है, कंफर्टेबल है, इज इट नॉट, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप बहुत हाई कमांडिंग पोजिशन पर बैठते हैं तो इस वजह से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है ऑफ द रोड, एंड क्योंकि बॉनेट के एजेस मिलते हैं तो दिखाई देते हैं, सो इस वजह से यू कैन ईजिली गेट यूज टू द फैक्ट कि मैं गाड़ी टर्न कर रहा हूँ, मुझे जजमेंट होने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। सो दैट इज़ 1 बिग एडवांटेज जो आपको यहाँ मिल जाता है विद द स्कॉर्पियो एन क्लियरली। अब जाते थोड़ा और, देखिए यहाँ पे ट्रैफिक में हूँ मैं, इट्स नॉट लाइक अ ह्यूज ट्रैफिक, बट थोड़ी बहुत जो ट्रैफिक है यहाँ पे वो क्लियरली देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट एट ऑल, आराम से यहाँ आई एम जस्ट वेरी काम एंड कूल, क्योंकि मैं जो हाइट पे बैठा हूँ इट्स रियली कम्फर्टेबल इनफ। तो लेट्स गो एंड सी मोर इनसाइड क्या दिखाई देता है हमें। सो इट्स जस्ट दैट कि आप अगर बड़ी गाड़ी पहले बार चला रहे हो लाइक द स्कॉर्पियो, आपको ज़्यादा यूज टू इट होने में टाइम नहीं लगेगा। दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू व्हीकल्स जहाँ आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है टू गेट यूज टू इट, इट्स वेरी ईजी, निम्बल, स्टेयरिंग बहुत लाइट है इसका। एंड देखिए अभी मैं ट्रैफिक जोन में आ गया हूँ यहाँ पे, इट्स नॉट लाइक बहुत रुक के चल रहे, बट हाँ ट्रैफिक है अभी यहाँ पे।
आगे आगे, देखिए मैंने रुक के बोला तो रुक गए हम यहाँ पे. सो क्वाइट इजीली यू कैन ड्राइव, नो प्रॉब्लम विथ इट एट ऑल, काफ़ी कंफर्टेबल है. और दूसरी कोई गाड़ियाँ जा रही है सो आई हैव नो प्रॉब्लम विथ इट. एक बार एक यू टर्न भी मार के देख लेंगे हम कि कितना इजीली यू टर्न मार सकते हैं हम यहाँ पे, जब ये जो पैच है यहाँ पे थोड़ा टाइट टाइप है. आई डोंट नो मेरा एक टर्न में हो जाएगा नहीं, बट स्मूथली होता है नहीं, दैट इज़ वेयर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कम्स फॉर समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे एक यू टर्न में ट्राई करूँगा. यहाँ पे एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है जो यू टर्न लेने की कोशिश कर रही है और वो एक ऑरा है, तो हम देखते हैं हमारा कितना इजीली हो पाएगा, क्योंकि एक एंड पॉइंट पे एक गाड़ी खड़ी हुई है हमारे सामने. एक गाड़ी यहाँ नेक्सॉन पार्क करके चला गया है एंड पे. सो नॉट सो डिफिकल्ट एंड हमने क्वाइट इजीली यहाँ से यू टर्न ले लिया है. अगर वो नहीं रहती तो हमारा यू टर्न इजीली हो जाता, बट शहर में ऐसे ही होता है, कोई कहीं पे पार्क करके गाड़ी चला जाता है एंड देन यू आर लाइक कि यू नो बिकॉज ऑफ दिस घूम नहीं रही है, तो वो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा. इट्स क्वाइट इजी एंड फ्लेक्सिबल, देख रहे बिकॉज द स्टीयरिंग इज सो लाइट, आपको चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगा शहर के अंदर. यू कैन ईजिली मनूवर थ्रू डिफरेंट डिफिकल्ट लेन्स एंड ये चीज़ें आपको बहुत ईजी एंड हैंडी पड़ जाएगी. सो गेटिंग इन टू अ स्कॉर्पियो फॉर द फर्स्ट टाइम. स्कॉर्पियो आपने कभी नहीं चलाई, आपने बड़ी गाड़ी पहले नहीं चलाई है, गाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी एंड कम्फर्टेबल, आपको प्रॉब्लम होने नहीं वाला. देख रहे हैं आप, लोग अपने आप रुकते जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन. पीपल लाइक जो इसको ये कमांडिंग पोजिशन आपको दे रही है, वहीं से बाहर से ये एक अग्रेसिव लुक भी दे रही है. सो बिकॉज ऑफ विच जो स्टांस है इसका, आई मीन लुक एट द वे ईजिली चल रही है गाड़ी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट. सो मैंने इसको हाईवे पे चलाया था, उसके बाद मैं इसे घाट पे ले गया था वेयर आई डिड द ट्विस्टीज. सो एक बार वो वीडियो देखोगे ना, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ. अब दूसरे एस्पेक्ट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूँ, क्या ये गाड़ी हाई स्पीड पे स्टेबल है? जी हाँ, एब्सोल्युटली स्टेबल है. इनफैक्ट इवन ब्रेकिंग इज़ गुड. तो इसका पेडल काफ़ी लाइट है एंड आई थिंक अगर आपने ये गाड़ी पहले बार चला रहे हो, ब्रेक आराम से दबाओ, क्योंकि इसका ब्रेक का बाइट बहुत अच्छा है. द बाइट इज़ वेरी गुड एंड डिस्पाइट दिस हाइट एंड यू नो वेट, इसका स्टॉपिंग पावर बहुत अच्छा है. वन मोर एरिया विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज दैट जब आप सेकेंड रो में बैठते हो इस गाड़ी के, आप नोटिस करोगे कि जो सपलनेस आपको ये हाइट पे मिल रहा है वो शायद ही कोई और गाड़ी दे पाएगी. सो ओवरऑल जब हमने इस पर स्पीड ब्रेकर टेस्ट किया सेकेंड रो में, इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट स्टेडी. थोड़ा स्टिफ है बट इट्स वेरी नाइस एंड सपल, तो आपको वो बाउंसीनेस पीछे महसूस नहीं होगा, स्पेसिफिकली अगर आप बहुत ख़राब रोड्स पे जा रहे हो सेकेंड रो में. सो टॉक के एस्पेक्ट्स में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए कवर कर सकता हूँ इन द ड्राइव पार्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इंजन. इसका इंजन इतना स्मूथ है मुझे तो डीजल इंजन फील ही नहीं हो रहा है. इनफैक्ट अगर मैं इसे अपने 700 से कंपेयर करूँ तो इसके इंजन में नॉइज थोड़ा कम है कंपेरेटिवली. और एक्सीलेटर पे पैर रखूँ, इट जस्ट मूव सो क्विकली. सो जो इसका रिफाइनमेंट है इंजन का, हाँ ऑफ कोर्स जब मैं हार्ड एक्सेलरेट करता हूँ तब आपको पता चलता है हाँ कि भाई मैं डीजल हूँ, आई एम देयर, दैट नॉइज कम्स इन. बट अदर देन दैट यू विल नॉट इवन रियलाइज कि इट्स अ डीजल इंजन. एकदम साइलेंटली मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, जो ये रमलर्स हैं यू डोंट फील अ थिंग इन इट. सो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस में ना ये गाड़ी, आई थिंक दिस कार स्कोर्स मैक्सिमम पॉइंट्स अगर मैं ड्राइव के बात कर लूँ. एंड इवन व्हेन आई डिड द रिव्यू ऑफ द कार, तभी मैंने आपको एक चीज़ कही कि आप फीचर्स दो मिनट के लिए हटा दो, जस्ट ड्राइव दिस थिंग. एक बार आप इसे चलाओगे ना, देन योर ओपिनियन मैटर्स, क्योंकि ये जो है एक ड्राइवर्स एसयूवी है क्लियरली. एंड तो जो स्कॉर्पियो के हमेशा से कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि जो आपको किक इन द पैंट्स, ये जो पुश आता है, वो सारी चीज़ें आपको ये एसयूवी देती है इन अ मोर एम्प्लीफाइड मैनर. अगर हम स्पीड ब्रेकर टेस्ट के बारे में बात कर ले तो गाड़ी की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, तो आपको बैड रोड पता नहीं चलेगा. ऑन द सेकंड रो इट्स वेरी कंफर्टेबल. अपहिल क्लाइंब में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन, तो चार लोग, पांच लोग या सात लोग बिठा के भी ले जाएंगे गाड़ी में. सो द इंजन स्टिल हैज द पुलिंग कैपेसिटी, चाहे आप पेट्रोल की बात कर लो या फिर इवन डीजल के बारे में बात कर लो, बीट मैनुअल और इवन ऑटोमेटिक और 4x4. अब सवाल ये उठता है कि आपको ये एसयूवी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं. ऑल राइट गाइज, तो ये था हमारा आज का असली टेस्ट ऑफ द स्कॉर्पियन. तो शायद ही कोई आपके लिए इतने डिटेल्स लाता होगा एक वीडियो में. आई मीन ये वीडियो देख के आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि ये गाड़ी मुझे लेनी चाहिए नहीं. आई मीन
यू नो इट्स सो डैम क्लियर. आपका जो बोलते हैं ना ग्रे एरिया होता है वो पूरी तरह क्लैरिफाई कर दिया है, व्हाइट एंड ब्लैक की तरफ आप आ जाओगे क्लियरली. सो इतना वीडियो देखा है, गिव अ बिग थम्स अप. एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी भी थोड़ा और कंफ्यूज हूँ, आई नीड लिटिल मोर क्लैरिटी, उसके लिए आप एक फोन कॉल, जी हाँ, यू कैन गेट ऑन टू अ 15 मिनट फोन कॉल मेरे साथ या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि आपकी जो डाउट्स है उसको हम पूरी तरह क्लैरिफाई कर सके. आपको सिर्फ motorocktane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है. इज इन दैट वेरी इजी. और उससे भी आसान पता है क्या है, टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन. सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप जो एक्साइटिंग कंटेंट हम रोजाना ला रहे हैं आपके लिए उसे मिस आउट करने वाले हो. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस. टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय.